हेलो एवरीवन, आज मैं बना रही हूँ बहुत ही फेमस गुजराती रेसिपी। इसे हम गुजराती खिचू बोलते हैं। ये बहुत हेल्दी और टेस्टी ऑप्शन है मॉर्निंग और इवनिंग के नाश्ते के लिए। ये चावल के आटे से बनता है, बहुत टेस्टी बनता है और इसे बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप भी एक जैसा नाश्ता खाकर बोर हो गए हो तो आप ये खिचू जरूर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत टेस्टी लगेगा और नाश्ते के लिए आपको एक न्यू हेल्दी रेसिपी मिल जाएगी। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं खिचू बनाने की रेसिपी। खिचू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 4 से 5 हरी मिर्ची ली है और थोड़ा सा उसमें जीरा डालकर कूट कर हमें एक पेस्ट तैयार करना है। आप चाहो तो इसे मिक्सी जार में भी पीस सकते हो, बस आपको इतना ध्यान रखना है कि ये एकदम बारीक फाइन पेस्ट ना बन जाए। अब मैंने यहाँ नॉनस्टिक बर्तन लिया है, इस बर्तन में हमें पानी ऐड करना है। पानी हमें माप से लेना है, इसलिए मैंने 1 कप का माप सेट किया है। आप कोई भी कटोरी का माप सेट कर सकते हो। यहाँ मैंने 2 कप पानी लिया है। अब जो हरी मिर्च और जीरा की पेस्ट बना के तैयार की थी वो इस पानी में हमें ऐड कर लेनी है। फिर इसमें हमें थोड़ा सा अजवाइन लेकर हाथों से क्रश कर हमें इसके अंदर डालना है और अच्छे से मिक्स करना है। अब ये पानी में हमें स्वाद अनुसार नमक डालना है और 2 से 3 चम्मच सिंग तेल डालना है। फिर इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है ताकि सारे मसाले पानी में अच्छे से मिक्स हो जाए। ये पानी को अभी हमें ढक लेना है जब तक एक उबाल आए तब तक। जब एक उबाल आ जाए तो ये ढक्कन को हमें हटा लेना है और इसके अंदर हमें पापड़ खार ऐड करना है। ये पापड़ का खार आपको कोई भी ग्रोसरी शॉप में आराम से मिल जाएगा। अब इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। खिचू बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 2 कप पानी लिया था, तो मैं यहाँ पर 1 कप चावल का आटा इस पानी के अंदर डाल रही हूँ। अगर आप ज्यादा बनाना चाहते हो तो जितना पानी ले रहे हो उसका आधा आपको चावल का आटा लेना है। अब इसे हम बेलन की मदद से इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें लम्स ना आ जाए उसका ध्यान रखना है। ये बेलन से हम मिक्स करते हैं तो इसके अंदर लम्स आने के चांसेस नहीं रहते हैं। चावल का आटा मसाले वाले पानी के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हमें एक स्टीमर लेना है और इस आटे को हमें स्टीम करने रखना है। आप चाहे तो इस पे भी ढक्कन लगाकर स्टीम कर सकते हो, पर उसमें जलने के चांसेस होते हैं। मैं आज आपको एक नया तरीका बता रही हूँ कि इसे किस तरीके से स्टीम करा जाए। आपके पास जो ढोकले का स्टीमर होता है उसकी प्लेट को ग्रीस कर ये चावल का आटा हमें इसके अंदर अच्छे से सेट कर लेना है और इसे हमें स्टीमर के अंदर स्टीम करने रखना है। 5 से 7 मिनट के लिए हमें इसे स्टीम करना है। 5 से 7 मिनट हो गई है और खिचू भी तैयार हो गया है। ये खिचू को गरम गरम सर्व किया जाता है, गरम गरम ही इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। खिचू बहुत अच्छे से बनकर तैयार हो गया है, बहुत अच्छा पक भी गया है। इस तरीके से स्टीम करने से खिचू जलता भी नहीं है। खिचू को मैं सिंग तेल और मिर्ची पाउडर या तो फिर अचार का जो मसाला होता है वो ऊपर से स्प्रिंकल करके आप इसे गरम गरम एंजॉय कर सकते हो। आपको अगर ये मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। आप भी ये खिचू इस तरीके से बनाकर ट्राई करना, आपको भी ये बहुत अच्छा लगेगा।